वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का सेट नंबर 17 देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंबोज, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कंबोज की राजधानी रायपुर था कंबोज की राजधानी रायपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। सूरसेन की राजधानी मथुरा था, सूरसेन की राजधानी जो था मथुरा था। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। अश्मक की राजधानी पोतन था, अश्मक की राजधानी पोतन थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। अगला प्रश्न है, स्वयं उपोषित नामक सभा संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी। भारत में ज्योतिष कला का विकास देन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में ज्योतिष कला का विकास यूनानियों का देन है। राजत्व का दैनिक सिद्धांत शौचों के यूनानियों के देन जो है निम्नलिखित है। राजत्व का दैवीय सिद्धांत शौचों के सिक्का निर्माण की विधि हो जाएगा। मुद्राओं पर राजा का नाम चित्र तिथि अंकित करने का प्रचलन भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्के पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई। इस प्रकार की मुद्रा के मुख भाग पर मयूर के खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर आशीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है, संगम काल में पुलयन शब्द आया। राइट आंसर इसका हो जाएगा दस्तकारों के लिए। अगला प्रश्न है, तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण जो था मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीता। उस समय भटिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के पास था। भटिंडा के दुर्ग से पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रुद्ध हुए और यह तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण बना। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अगला प्रश्न है, यधा एवं भीख
बीख यद्धा एवं बीख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनत कालीन सुल्तान द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा एवं बीस नामक से क्रमशः अधे एक चौथाई पीतल से तांबा चांदी मिश्रित दो सिक्के चलाए। इन्होंने कुतुब मीनार से की मरम्मत करवाई तथा सैनिकों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा खानवा का युद्ध, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में बाबर एवं चराना चंगा जी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही जिहाद का नारा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय हुए। चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर विजय हुए। घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ एवं इसमें बाबर एवं महमूद लोदी अफगान के बीच हुआ। इसमें भी बाबर की जीत हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1896 कलकत्ता, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये सुरेंद्रनाथ सेन इसका लेखक नहीं है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक अरविंद घोष हैं जबकि 1857 नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ सेन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित इसमें है दुर्गेश नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संगम सभा के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा संगम सभा के संस्थापक जो थे केशव चंद्र सेन थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। संगत सभा की स्थापना 1860 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड जोबिल से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाटो और छोड़ो जैसा नारा दिया गया। इस समय लॉर्ड जेलिन ने तो वायसराय था। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। रॉयल सी इंडियन से नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था। क्लेमेंट इटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में अंग्रेजों भारतीय सेना में चर्बी वाले से कारतूसों से चलाने वाले से अनफील्ड राइफल से का कब शामिल की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। भगत सिंह ने किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर से नौजवान भारत सभा का गठन किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा यंग इटली आंदोलन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, उपर्युक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।
गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के मांगे जाने के प्रति इरविन से कोई एक पत्र में लिखा, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। इसके बाद ही 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विंध्यन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑर्कियन धारवाड़ से एवं से कुडप्पा क्रमच के चट्टान से में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। विंध्यन से संरचना से भी अविषादी चट्टान से निर्मित संरचना है, इसमें कहीं कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रा अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो जिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। जो जिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है तथा श्रीनगर से कारगिल से एवं से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, ओरशंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ओरशंग जो है निम्नलिखित में से नर्मदा की सहायक नदी है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। कयाल क्या है? कयाल जो है ये हो जाएगा, कयाल है केरल के लैगून, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष से किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष से किया गया, तो हो जाएगा 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डूनागिरी पर्वत शिखर अवस्थित है? डूनागिरी पर्वत शिखर जो है ये हो जाएगा भारत में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। डूनागिरी पर्वत भारत के उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई हो जाएगा 7066 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक से होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, पूरी परियोजना जो है चेनाब नदी ये सत्य नहीं है, यूरी परियोजना जो है ये झेलम नदी पे है, झेलम नदी हो जाएगा। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, कालपोंग परियोजना जो है कालपोंग नदी पर है, और संजय सरोवर परियोजना जो है बेनगंगा नदी पे है। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? कपास के जो रेशे हैं ये प्राप्त होते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चांदी के उत्पादक राज्य हो जाएगा, ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अनुसूचित जाति लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार में नहीं पाए जाते हैं, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार में नहीं पाए जाते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति दिल्ली हरियाणा एवं पंजाब में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो गया, मोपा जनजाति का निवास स्थल है? मोपा जनजाति का निवास स्थल है जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, घंटा मर्दाला नौकल लोकनृत्य किस राज्य
की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। घंटा मर्दाला लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय से लोगों से रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं ब्रिटिश क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया इत्यादि। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कैग से पद भारतीय संविधान में लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किए कि उद्देशिका संविधान का भाग है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बम्बई बनाम से यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम से यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन से के तहत जो पुडुचेरी से संघ शासित प्रदेश बना? राइट आंसर इसका हो जाएगा 14वें, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है? राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद ए, ऑप्शन इसका अनुच्छेद ए में हो जाएगा 41। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम से न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम से मनरेगा से योजना वृद्धों हेतु पेंशन योजना जो मातृत्व सुरक्षा योजना से आदि के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 41 द्वारा लागू हुआ है? अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु जे एस वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1999, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। राज्यसभा के सभापति एवं उस उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जब राष्ट्रपति की इच्छा हो, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए, इसका हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव जो मुख्य निर्वाचन से आयुक्त संघीय से मंत्रिमंडल सदस्य और भारत में मुख्य न्यायाधीश अग्रता काम जो में इसका सही अनुक्रम जो है अधिकारी वरिता क्रम में स्थान है। मंत्रिमंडल सचिव जो हो जाएगा वरिता क्रम में स्थान इसका 11 हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 के इसका सही उत्तर 9 के का हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 के का संघीय मंत्रिमंडल सदस्य हो जाएगा 7। भारत में मुख्य न्यायाधीश अग्रता क्रम में इसका सही अनुक्रम है 6। कूट में इसका आंसर हो जाएगा कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित आयोगों को उसके गठन की तिथि के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005, हो जाएगा। 11वां वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग हो जाएगा 3 जुलाई 1998, 3 जुलाई 1998 हो जाएगा। पुंछी आयोग अप्रैल 2007, हो जाएगा, हो जाएगा। और सरकारी आयोग 1983 हो जाएगा, सरकारी आयोग 1983 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2006 में ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जेपी समिति 1974 का संबंध था, राइट आंसर इसका हो जाएगा जेपी समिति संबंध था निर्वाचन सुधार से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 74। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय से के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी आंसर संबंधित राज्य सरकार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 74। अगला प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव जो है ये लाया जाता है लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 74। अगला प्रश्न है, वर्धमान चकअप जगह संबंधी किस खेल से है, राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्धमान कप का संबंध जो है ये वेट लिफ्टिंग से है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 74। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 में हुआ था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा विकसित देशों की, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना की आधार वर्ष क्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 2004 से 2005, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 को कहा जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी गॉडगिल योजना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिस्टनी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एड्स से देने वाले जो वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा एड्स से देने वाले वायरस का पहचान जो है 1981 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। एड्स की पहचान सर्वप्रथम अफ्रीका में 1981 ईस्वी में की गई, जबकि भारत में इसकी पहचान 1988 ईस्वी में था, भारत में 1988 ईस्वी में इसकी पहचान हुआ था। अगला प्रश्न है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बकरी का जो हो जाएगा वैज्ञानिक नाम जो ये हो जाएगा केप्टा हिटमस हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर केप्टा हिटमस। ओबिज अराइज जो है ये भेड़ का है। केनीडे जो हो जाएगा एनीडे लोमड़ी का हो जाएगा। पैथा टाइग्रिस जो हो जाएगा ये बाघ का है। अगला प्रश्न है, कोरोलॉइड जो जड़े हैं ये पाई जाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सी जीव फीता कृमि का पोषक होस्ट होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सुअर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अमाशय के पिछले भाग को ए पाइलोरी कहा जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अमाशय के तीन भाग हैं जिसमें अग्रभाग को
कॉर्डियक से मध्य भाग वाले भाग को फुंडिक, जबकि सबसे पिछले भाग को पाइलोरिक से कहते हैं, पाइलोरिक से कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट से कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। हाइपोक्सीमा, हाइपोक्सीमा उस स्थिति को कहते हैं जब क्या हो जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पोटवाहिनी, ऑप्शन इसका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयतन की बीमा जो है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सबसे बड़ा है मिलीमीटर, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा अधिक हो जाता है, ऑप्शन इसका ए। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूटन का गति का तृतीय नियम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोमीटर जो है किस सिद्धांत पर है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लवन सिद्धांत, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रवर्तन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रवैज्ञानिक तरंगे, प्रवैज्ञानिक किरणें। अगला प्रश्न है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यह नियम है स्टीफन का नियम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोलर जो कुकर में किस दर्पण चक्र से प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोलर कुकर में जो है ये किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण का मात्रक होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेत, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सदा धनात्मक होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग से मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेडियो सोडियम, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजी अवंध किसके कारण बनता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के अंश भजन से, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, शीर्ष कक्ष प्रकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आदर्श गैस के ऊर्जा जो है
ये निर्भर करता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन कटा हुआ है तापमान पर और एक मेलों की संख्या जो है यहाँ ऑप्शन कटा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलों की संख्या पर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। मोलों के संख्या पर। अगला प्रश्न है सिलेस्टाइन अयस्क है, सिलेस्टाइन जो अयस्क है ये किसका है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एस्ट्रॉन्शियम का, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त तो होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन ए। हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ, वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ, राइट आंसर इसका हो जाएगा जापान, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही के दिनों में जी ट्वेंटी पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, राइट आंसर इसका हो जाएगा सही उत्तर कर्नाटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही के दिनों में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान से उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में संपन्न से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 में अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने जीती है, आर बोनी गैब्रियल आर बोनी गैब्रियल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है, सही उत्तर इसका हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से बिहार OS विकसित किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा विक्टर एक्सलेसन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस 15 नवंबर, ये सही नहीं है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है,
12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दी स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रकाश सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। डिकोडिंग सिद्धि योगा पतंजलि आचार्य कौशल तथा जय सिंघानिया डिकोडिंग द योगा बाई पतंजलि आचार्य कौशल तथा जय सिंघानिया इसका हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सेनोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, इसे भारत का स्थान है, इसमें भारत का स्थान हो जाएगा अड़तालीसवां, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर।